I'm into sports. मैं मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ. I've played 11 nationals, 5 federations, 4 internationals and 1 international recently. Alhamdulillah, I've got, मैंने 5 international खेले और 5 में gold medal जीता और मैंने 2018 का best world woman fighter award भी जीता है. अभी recently September में मेरा South Korea में international था जिसमें मैंने gold जीता in senior woman plus 60 weight category. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम फिजा नज़ीर है. मैं 20 साल की हूँ. आई एम एन एथलीट. आई एम इनटू स्पोर्ट्स. मैं मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ. आई हैव प्लेड 11 नेशनल्स, 5 फेडरेशंस, 4 इंटरनेशनल्स एंड 1 इंटरनेशनल रिसेंटली. अल्हम्दुलिल्लाह गॉड, मैंने 5 इंटरनेशनल खेले और 5 में गोल्ड मेडल जीता और मैंने 2018 का बेस्ट वर्ल्ड वुमेन फाइटर अवार्ड भी जीता है. अभी रिसेंटली सितंबर में मेरा साउथ कोरिया में इंटरनेशनल था जिसमें मैंने गोल्ड जीता इन सीनियर वुमेन प्लस 60 वेट कैटेगरी. और मेरा अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है एशियन चैम्पियनशिप के लिए जो हो रही है फिलीपींस में. वर्ल्ड चैम्पियनशिप पहले है, उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप है. तो अभी मुझे उसका जाना है. अभी मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ. मेरा मार्शल आर्ट्स में शौक नहीं था. आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल. लेकिन मेरे घर वाले हैं वो देवर इंटू स्पोर्ट्स, तो उनको देखकर आई गॉट इंस्पायर्ड. तो फिर हमारे स्कूल में ये गेम थी, उसकी वजह से मुझे भी ज्वाइन करनी पड़ी ये गेम. मैं स्कूल से स्टार्ट किया, गेव इट अ किक स्टार्ट फॉर माई स्कूल. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रिक्ट स्टेट आता गया, फिर नेशनल्स, नेशनल्स में फेडरेशन की सिलेक्शन, फिर फेडरेशन में इंटरनेशनल की सिलेक्शन होती है. फिर मैंने पहला अपना फर्स्ट इंटरनेशनल जो था वो 2016 में खेला मैंने. फिर उसी के साथ चलता गया, मैंने हर इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करने लगी. मैंने वर्ल्ड इन्विटेशनल भी खेला इस साल का, जो मैंने अप्रैल में खेला फिलीपीन सीबू में. वहाँ भी मेरा गोल्ड मेडल था अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसे दिक्कतें कोई नहीं आई. गेम में तो दिक्कतें आती ही हैं, बिकॉज जब आप कुछ करने जाते हो तो आपको हर्डल्स मिलते हैं एंड वही जीता जो उस हर्डल्स को टैकल करके आगे बढ़ रहा है. मुझे लगता है अब ये जो सब कुछ था क्रिटिसिज्म वो तो हट गया है, बिकॉज मेरे जैसी जो भी लड़की है जिन्होंने कुछ आकर के कुछ करके दिखाया उनकी वजह से, या फिर मैं ऐसा बोलूँगी जिनको मौका मिला उन्होंने कुछ करके दिखाया और जिनको मौका नहीं मिला उनको भी मौका मिलना चाहिए, ताकि वो भी, ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो मुझसे भी टैलेंटेड होंगे लेकिन खुद का अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते होंगे बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड थिंग्स जो उनको फेस करनी पड़ती है. घर वालों का ही तो सपोर्ट था जिसने मुझे यहाँ लाया, क्योंकि आई ऑलरेडी सेड माई फादर वॉज एन एथलीट, तो उनका बहुत सपोर्ट था. अगर मैंने कभी ड्रॉबैक करना भी चाहा तो ही गेव मी अ पुश, उन्होंने मुझे आगे कभी कभी, हाँ मेरा बचपन का, लेकिन आपको पता है वो बोलते हैं ना इस सेल्फ डिफेंस का, मुझे हो गया थोड़ा कि आई शुड ज्वाइन इट. फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सोचा कि नहीं, अब फुटबॉल में उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मेरे पापा भी फुटबॉल में थे और ही वॉज़ वेरी डिसहार्टन विद द गेम. तो फिर मैंने सोचा नहीं, आई शुड कंटिन्यू विद द मार्शल आर्ट्स, क्योंकि मेरे स्कूल में भी मुझे ये कराएगा और आई विल कंटिन्यू विद इट. आपको पता है जब आप अगर नॉर्मल इंसान भी चले और किसी को किक करते देखे ना हवा में, तो उसको अंदर से हो ही जाएगा कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न. मेरा भी था शौक कि मैं भी लोगों की जैसे लंबा लंबा स्ट्रेच करूँ, 180 डिग्री स्ट्रेच हवा में किक. तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके दिया, स्टेप बैक्स दिए मैंने बहुत. आई मतलब जिस लेवल पर मैं अभी हूँ उस लेवल पर मुझे लगता है कि आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बट अब मुझे लगता है कि आई हैव डन इट एंड मैं चाहती हूँ. इससे मैंने अपनी अकेडमी खोली है रिसेंटली राजबाग में. इससे पहले मेरी गुरुद्वारा में भी थी, लेकिन वहाँ भी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ. राजबाग भी मैं ऑल गर्ल्स खोली इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है जो मुझ में कमी रही, जो मैंने इतनी सारी कंट्रीज़ में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वी टू 9 कंट्रीज़, मुझे लगता है कि उन कंट्रीज़ में जाके जो मुझे, जो मैंने सीखा वो मैं इधर सिखा सकूँ. मैं सिटी सेंट्रल में पढ़ती थी पहले, अभी फिर मेरा 12th हो गया. आई वॉज मेडिकल स्टूडेंट एंड माई 12th, मेरा 12th कोठीबाग में था. और उसके बाद आई एम डूइंग माई 3rd सेमेस्टर फ्रॉम अमर सिंह कॉलेज. हर एक स्पोर्ट्स में हर एक डिसहार्टन हो जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ द थिंग कि स्पोर्ट्स का यहाँ उतना कुछ है नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स का यहाँ उतना कुछ देते नहीं हैं. उसकी वजह से डिसहार्टन होता है, कोई किसी का कहीं चोट आ जाती है फिर उसकी वजह से उनको ड्रॉबैक करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ आती है. बट इट ऑल नीड्स योर स्पिरिट एंड योर कॉन्फिडेंशियल थिंग्स जो आपको आगे तक खींचेगा. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. जस्ट स्टार्टेड एंड मेरा एक महीना हो गया ना. आई एम गोइंग टू गो इन विगिन. मैं बहुत सारे ब्रांचेस खोलना चाहती हूँ कश्मीर में. आई एम वर्किंग ऑन इट. मैं बहुत सारी अकेडमीज खोलना चाहती हूँ कश्मीर में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा वो आगे भी बच्चे सीखें. मेरी मैसेज सबके लिए यही रहेगी कि जिनको भी लगता है कि मैंने कुछ किया है या मैं कुछ कर, मैं वो भी कुछ कर सकते, तो वो मेरी अकेडमी में आएँ. पहला. दूसरा, अगर आपको कुछ भी करने का टैलेंट है एटलीस्ट अपने टैलेंट को एक मौका दें, ताकि वो भी देखें कि वो अपना टैलेंट कहाँ तक ले जाएंगे.